गाइस, मैं हूं सुपर आरव। मेरे साथ है बनी और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है ये मेरी जिंदगी पर। बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। चलो चलो अभी अंदर चलते हैं। मेरे को बाहर लग रही है बहुत ठंड। हवा चल रही है बहुत तेज बाहर और साथ में बारिश भी हो रही है, तो अंदर जाना है ठीक है, वरना मेरे को सर्दी लग जाएगी। अभी चलते हैं भैया के पास और मेरे को पक्का पता है भैया सो रहा होगा। ये देखो, गुड मॉर्निंग भैया, उठ जाओ। उठा रहा हूँ। अच्छा, उठे हुए हो तो सो क्यों रहे हो? कंबल से तो बाहर आओ। बाहर एक्टिंग मत कर, उठ जाओ। उठा, उठा। भैया तो नहीं उठ रहे, लेकिन एलेक्सा आई थिंक उठ गई होगी। सॉरी, I'm having trouble understanding right now. Please try a little later. मेरे को लग रहा है ये भी सो ही रही है। सब से लोग तो सो ही रहे हैं, बाबू जी भी सो ही रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं भी सो जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो आप? मॉर्निंग। पढ़ाई कर रहे हो? हम पापा जी को जगा रहे हैं गाना गा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। और लाल तो उठ गया, वीडियो बना रहे। और उठो पापा। अब आंखें खोलो, सुबह हो गई, मुँह को धोलो। तो आयो, यहाँ तो बारिश हो रही है। सॉक्स पहनकर मैं पूरी गीली जगह में नहीं जा सकता। बन्नी तो जा सकते हैं ना, ये थोड़ी ना सॉक्स पहनता है। बाकी नज़ारा आप देख ही सकते हैं, कितना बढ़िया आता है यहाँ से। नज़ारे की तो बात ही कुछ और है। ये टॉप वाली छत की सीढ़ियाँ और ये हमारा प्लांट है, पता नहीं कौन सा है। मैं पापा जी से नाम सबके पता कर रहा हूँ। एक का नाम स्पाइडर प्लांट है, किसी का नाम चंपा है और किसी का नाम बोगन बेली है। राजा बनो। अब ये शैतान फाइनली। बहुत अच्छे हो ना तुम। क्या नाम है उन्नो, बता दो जरा। बनी कुमार बाजे वाले। रुको अभी, रुको अभी, खाएगा खाना, खाएगा। चलो खाना खाओ। क्या ख्याल है आपका, हम तो फिसल गए, हो यूं ही मचल गए, हा। वेलकम गाइस, वेलकम टू अनफुनास की चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका बेसन के हलवे, नहीं बेसन के लड्डू के साथ। बेसन को भुनने का काम स्टार्ट करा है, इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। इसमें घी डाला जाएगा और ड्राई फ्रूट्स डाले जाएंगे। बेसन का हलवा, हलवा बेसन का हलवा या लड्डू, दोनों ही सर्दियों में फायदेमंद है। काम करो दुनिया में कुछ नाम करो, इधर चीनी पीस लो। अरे मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं ना, मेरे से नहीं पीसती है। जुबान है बस बड़ी। जुबानी तो थोड़ी पीस दूंगा। बाबा होना चाहिए था आपको तो, एक जगह में बिठा दो। और बाबा आपने हाथ तभी तो छुपा देते हो, उनके हाथ छोटे छोटे, काम के आज तो कुछ होता नहीं है। ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। कमर कस्सा
अरे वाह, अभी तो बन तो बिलो तुम्हारे मजदूर आ गए। अरे चलो माना, बहुत अच्छे लग रहे हो तुम लोग, अब लड्डू बनाओ। रुद्री जी, लड्डू तो मैं बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा भी तो बनाऊंगा। चलो सब बनाएंगे, आ सकते हैं, सब बनाएंगे। ठंडा बाप रे, नीचे से बहुत गर्म है। चल मानो फटाफट, तो ज्यादा हीरो ना बन। कितना बड़ा लड्डू बनाए? बहुत बड़ा, दो हाथ से। चलो कौन ज्यादा लड्डू बनाते हैं? ऊपर का तो ठंडा लग रहा था। जिसका लड्डू सुंदर खूबसूरत बनेगा गोल, हाँ वो जीतेगा। माना उसी का जाएगा। मीडियम होना चाहिए लड्डू, लड्डू का साइज खूबसूरत होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा हो। और जिन लोगों ने उसमें ज्यादा डाल दिया उनका लड्डू पिघल जाएगा। नहीं, ये देखिए, मैं फर्स्ट आई पापा जी, मेरा है। अरे वाह पापा जी, आपके लड्डू लड्डू का आलू लग रहे हैं। बेटा रुक जा, मेरा लड्डू अच्छा है। आलू काहे लग रहा है? लोगों ने सोचा कि हम ज्यादा घी रखेंगे तो लड्डू खूबसूरत बनेगा। मेरा दूसरा लड्डू होने वाला है, देखते हैं कितने लड्डू बनाता है। और दो लोग सिर्फ लड्डू को पसंद कर रहे हैं। मेरा भी टूटा, घी ज्यादा लगा पापा जी, घी ज्यादा लगा के अच्छा नहीं बन रहा। तीन, और हमारी टीम मैं तीन पे मानू एक पे, और मुकाबला चल रहा है मानू और मेरे बीच में। और पापा जी के लड्डू ही नहीं बन रहे अभी। पापा जी का लड्डू अभी गुड़ पिघला हुआ गुड़ जैसा। तुमने मेरी तरफ ना घी ज्यादा डाल दिया। और आपने पहले ही कह रही थी कि घी घी का मत करो, आपने सोचा कि मैं ज्यादा अच्छा बना दूंगी। बेईमानी करी जा रही मेरे साथ, घी ज्यादा हो गया। सारे अन्याय किया जा रहा है, सावधानियां पहले बता दी थी। अन्याय के खिलाफ लड़ाई रुद्रिद्ध, ये मम्मी के चार लड्डू और दीदी के दो, और यहाँ पे पापा जी के दो, आरू का एक आलू। ये पिघले हुए गुड़ की तरह दो लड़की अपनी सकल के लड्डू बना रहे हैं। अब देख तो, और ये मम्मी का पांचवा। अब लोग तो हाथ से भी दो नहीं बना पा रहे हैं, हम पांच लड्डू बनाए हैं। अब देखना रुद्री, अब की बार तो मेरे लड्डू। रुद्र, ये है दीदी का तीसरा लड्डू, मेरा छठा लड्डू। अरे बाप, अबे हमने आगे परात रखी हुई ना, इसलिए हमारे लड्डू दूर से बन रहे ना, प्रॉपर नहीं बन पा रहे थे। अब देख तू, ये देख, तीन लड्डू की शक्ल दिखाई दिए जाए, बहुत सुंदर है। चार लड्डू जैसे बाड़ी बनाते हैं ना, बाड़ी नहीं देते गाय को। मत ले यार तू इतना। आठ पापा जी के चार नहीं हुआ अभी, शक्ल दिखा उनकी। लड्डू में नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना? इतना सुंदर लड्डू है, तो सो गए। रुद्र मेरा कितना था? नौ। अन्नपूर्णा का हलवाई है बेटी। बाप रे, आरू भाई का लड्डू दिखाया जाए। लाडू बना दिया है, तो लाडू बना दिए है। अरे पापा जी ने बोला कि और ज्यादा। 10 लड्डू मम्मी के। लड्डू चिपक गया ना, इसलिए नहीं बनने शायद। और आप मेरे सारे बोल रहे हो कि दाना सूखा जा गया। देखो बताओ तो 11 पकौड़ा ना रखा है वहां पे। मम्मी और के बड़े अच्छे गोल गोल लड्डू बनते हुए, और पापा जी और आरू भाई 12 लड्डू, और पापा जी और आरू भाई के लग रहे हैं आलू। दीदी के हो गए 6 लड्डू। लग रहा है, पता चल रहा है तभी इसको बहुत ज्ञान है। तभी तेरे लड्डू नहीं आलू बन रहे हैं। 13 लड्डू मम्मी के। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि पापा जी के सारे लड्डू हो चुके हैं डिस्क्वालीफाई, और यहाँ पे फिर से बनाए जा रहे हैं सारे लड्डू। बड़े बना दिए थे पापा जी ने, अपने साइज के लड्डू बना दिए। पापा मैंने अपने साइज का बना दिया, भूल गए कि लड्डू तो प्यारे होते हैं। क्या कर दिए तुम्हारे लिए, खराब हो गए तो खराब कर रहा जबरदस्ती का। और यहाँ से लड्डू चुराए जा रहे हैं यहाँ पे। भगवान जी को चढ़ा दिया, और मत खा, चले भगवान जी को दे बेटा। तो हमारे लड्डू बन गए, ये मैंने और उन्हें बनाए हैं बहुत सारे लड्डू। हमारे लड्डू, और हम जीत गए। ये सारे हमारे हैं, जो हमारे हमारे भी हैं, हमारे भी हैं, इनके तोड़ देना। जीत गए हमारे, जो हमेशा खुश रखेंगे।
नहीं वो मम्मी के प्लेट में चला गया है, वो अमूल पे हमारी शक्ल आ रही है। चलो खाएं, हमने बनाई। नहीं रुक जाओ अभी, नहीं पहले भगवान जी को देंगे। यस यस यस, भगवान जी का अभी खाने वाले थे ये लड्डू। वाओ अरे शाबाश, क्या लड्डू बनाए तुमने। तो तुम भी खाओ बेटा। सुंदर बाल बनाए हैं। अगर आपको हमारे ये लड्डू पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार से कमेंट करें। और भाई के लिए Ha 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 ha!